हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर कर रही हूं जिनको आप खुद में डेवलप करके अपने डेली लाइफ को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आपने ये हैबिट्स डेवलप कर ली ना, तो आई एम श्योर आप बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी चुटकियों में ईजिली हैंडल कर लेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसकी तैयारी हम पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो उसके लिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले से ही उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें अपना कल का दिन प्रोडक्टिव बनाना है, कल के दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो उसकी तैयारी हमें आज रात को सोने से पहले ही करनी होगी। हम में से मैक्सिमम वीमेंस के दिन की शुरुआत किचन से ही होती है। तो मुझे पता है कि सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है, बच्ची को स्कूल भेजना है, उसके लिए टिफ़िन रेडी करना है, और हाउस हेल्पर दीदी थोड़ा लेट आती है। तो इस वजह से मैं अपना किचन सेट करके और रेडी करके ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे दिन की शुरुआत मेरे किचन से ही होने वाली है। कल की तैयारी मैं आज ही कर लेती हूँ ताकि मुझे कल लेट ना हो, मैं अपना काम टाइम पर कर पाऊँ। और डेली रात में मैं ये कुछ बादाम और खड़ा धनिया, इसको भिगो के रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए, बिकॉज़ मैं थायराइड की पेशेंट थी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से थायराइड की पिल्स नहीं ले रही हूँ और अब मेरा थायराइड नॉर्मल है। सुबह सुबह मैं खाली पेट ये धनिया वाला पानी पीती हूँ, इससे मेरा थायराइड नॉर्मल रहता है और अभी मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हैबिट जो डेवलप करनी है वो है टू डू लिस्ट रेडी करना। कल हमें जितने भी काम करने हैं, अगर उन सब की लिस्ट हम आज रात को सोने से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ट्रस्ट मी, अपने सारे काम हम टाइम पे ख़त्म भी कर लेंगे और ख़ुद के लिए अच्छा खासा टाइम बचा लेंगे। ये तो रियलिटी है कि हम जिस काम को इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, जिन कामों को हम सोचते हैं उनका लिस्ट क्या बनाना, वो तो हमें ऐसे ही पता है कि हाँ अब हमें ये काम करना है। बट जिस भी दिन हम अगर लिस्ट के साथ काम करते हैं ना, एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं, उस दिन आप देखिएगा कि अपने सारे काम भी हम टाइम पे ख़त्म कर लेंगे और अपने लिए टाइम भी बचा लेंगे। बिकॉज जब हम कोई चीज़ नोट करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में जाकर के सेट हो जाती हैं, और अगर हम थोड़ा सा भी आलसपन दिखाते हैं, थोड़ा सा भी सोचते हैं कि चलो ना उसे हम बाद में काम कर लेंगे, उस टाइम हमारा माइंड हमें मोटिवेट करता है कि नहीं, हमें ये काम कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन पता है कब होती है? जब आज रात को हम बैठेंगे और जिन जिन कामों को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसको हम टिक करते हैं कि हाँ इस काम को हमने कर लिया, इस काम को हमने कंप्लीट कर लिया, वो जो टिक मार्क होता है ना, उस टिक को देख के इतनी सेटिस्फैक्शन फीलिंग होती है, खुद को अच्छा फील होता है। आप इस हैबिट को ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हैबिट जो डेवलप करनी है वो है अर्ली मॉर्निंग उठने का। ये तो हम सब जानते हैं कि जिस भी दिन हम जल्दी उठ जाते हैं ना, हमारे पास दूसरों के कंपैरिजन ज़्यादा टाइम होता है। आप एक दिन ट्राई करके देखिएगा, जिस भी दिन हम जल्दी उठते हैं, दूसरों के कंपैरिजन हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है। और ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये इतना प्रोडक्टिव होता है, हम लंबे टाइम पीरियड के लिए जब सो के उठते हैं ना, हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो उस टाइम हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमें जल्दी भूलती नहीं है। तो उस टाइम को आप खुद के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो सुबह आप उठ के पढ़ सकती हैं, बिकॉज उस टाइम घर में सब सो रहे होते हैं, आसपास भी काफ़ी शांत माहौल होता है। आपको नहीं पढ़ना है, इट्स ओके, आप अपने डेली के काम जल्दी शुरू कर सकते हैं। आपका काम जल्दी ख़त्म होगा तो आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा, आप अपने पे उस टाइम को इन्वेस्ट करेंगी। आप अपना जल्दी रेडी हो जाइए, जल्दी बच्चों के उठने से पहले आप अपने किचन के काम स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैं कर लेती हूँ कभी कभी। अगर कभी मुझे नहीं पढ़ने का मन होता है सुबह सुबह, तो मैं अपने काम जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे मुझे बच्चों के उठने से पहले ऑलमोस्ट मेरे आधे काम कंप्लीट हो गए रहते हैं और फिर मुझे ही आराम मिलता है। फिर जो दोपहर का टाइम होता है उसको हम खुद पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं, थोड़ी खुद की केयर कर लेते हैं, अपने बाल, हाथ, आँख, जो हमें देखनी होती है खुद के लिए चीज़ें, उन सब पर टाइम दे लेते हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, इसके इतने फ़ायदे हैं, आप खुद की हेल्थ पे ध्यान दे लेंगे,
आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा दूसरों के कंपैरिजन, तो आप पढ़ाई कर लेंगे, कोई नई चीज़ सीख लेंगे, कुछ नहीं तो आप अपने घर के काम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, और फिर आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको सही लगे तो आप इस हैबिट को ज़रूर डेवलप करिए। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज़ उनको लेट नाइट काम करना होता है, या फिर कुछ उनके पर्सनल रीज़न हो जाते हैं जिस वजह से वो लेट सोते हैं, तो लेट वो उठते ही हैं। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठती हैं तो वो टाइम बेस्ट होता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हैबिट जो डेवलप करनी है वो है सेल्फ केयर को लेकर के। हम अपने पूरे घर का ख्याल रखते हैं, हर एक फैमिली मेम्बर की केयर करते हैं, बस खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। अभी 29 के एज में मेरी 2 सीजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, तो अगर इस एज में मेरे 2 इतने बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं तो अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी, आगे मेरा क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। किसी और से एक्सपेक्टेशन से बेटर है कि हम अपना ख्याल खुद रखें। हम अक्सर सोचते हैं कि जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर का ख्याल रख रहे हैं, दूसरे भी हमारा वैसे ही ख्याल रखें। तो जब तक अपनी चीज़ का ख्याल हम खुद नहीं रखेंगे, कोई और क्यों आएगा उसका ख्याल करने। अगर हमारा कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट है, हम उसको ऐसे ही कहीं पे भी तो नहीं छोड़ देते ताकि कोई आए और उसको संभाल के रखे। हम बिल्कुल भी, जो हमारे गहने होते हैं, कोई कीमती चीज़ है, कुछ पैसे हैं, हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ते। हम उसका ख्याल खुद रखते हैं क्योंकि वो हमारी चीज़ है। ठीक वैसे ही हमारे हेल्थ भी है, ये बॉडी हमारी है तो इसकी केयर भी हमें ही करनी होगी। अभी ये धनिए का पानी है, मैं थायराइड की पेशेंट थी बोल रही हूँ बिकॉज पिछले 5 साल से मैं थायराइड के पिल्स ले रही थी, बट अभी 1 साल से नहीं ले रही हूँ मैं। और ये मैं धनिया जो है, खड़ा धनिया, इसको रात भर भिगो के छोड़ देती हूँ, और जो उसका पानी है सुबह सुबह उसको पीती हूँ। इससे मेरा थायराइड अभी नॉर्मल हो गया है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर थायराइड के पेशेंट हैं तो। नेक्स्ट हैबिट है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अक्सर हम अपने डेली के काम में, अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं ना चीज़ों को मैनेज करने में, कि बच्चों के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अपने बच्चों के साथ आप भी बच्चा बन करके देखिए, आपके बच्चे तो खुश होंगे ही, आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे बच्चे खेलते हैं, आप भी उनके साथ खेल करके देखिए। हो सके तो शाम में उनके साथ थोड़ी देर डांस कर लीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। मैं इसको करती हूँ पर्सनली, मैं अक्सर अपने काम ख़त्म करके अपने बच्चों के साथ डांस करती हूँ, गाना लगा करके टीवी पे या फिर कहीं पे भी। बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हैबिट, डेली के 30 मिनट्स जो हैं वो आप बाहर निकलिए। अक्सर हम विमेंस के साथ एक इशू होता है कि हम घर में ही कैद होके रह जाते हैं। बोलते हैं हम कि यार इतने सारे काम हैं, टाइम ही नहीं है, जितने देर में बाहर जाएंगे उतने देर में कुछ काम ख़त्म कर लेंगे। बट ये जो काम है ना, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, और उसके साथ आप खुद की इच्छाओं को मारते जा रही हैं। इसलिए इस काम को थोड़े देर के लिए साइड में रखिए और डेली एटलीस्ट आधा घंटा आप बाहर निकलिए। अगर आपके आसपास गार्डन है, आप बाहर जा सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं जा सकती हैं, इट्स ओके, आप अपने छत पे चले जाइए। छत पे जाकर के बाहर की हवा लीजिए, छत पे जो आसमान है, आकाश, यहाँ वहाँ जो बादल उड़ रहे हैं उनको देखिए। और जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं ना, जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं उनके ऊपर सोचते हैं कि यार हमारे लाइफ में चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं ना, वो बहुत ही प्योर होते हैं। तो आप ये ज़रूर कोशिश करिए कि डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स आप बाहर निकल करके बाहर की फ्रेश एयर लीजिए और बैठ करके अपने बारे में सोचिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी जो लाइफ की जर्नी है हर चीज़ को साइड में करके सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचिए। एक ही तो लाइफ मिली है यार, इसको सिर्फ दूसरों के लिए क्यों वेस्ट करना। ठीक है, आप
एक माँ का फर्ज निभाना है, एक पत्नी का, एक बहू का, उन सब के साथ अपने लिए आपका भी कुछ फर्ज है कि इस लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं करना है, खुद के लिए भी कुछ जीना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप तक मेरी बात पहुँच पाई होगी, और अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आपके पास अगर कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।